कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कुछ ना जानता था सब कुछ मुझे सिखाया, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ ना था ज़रा भी इतने बड़े जहाँ से। हैप्पी टीचर्स डे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। अजीज़ दोस्तों, आज 5 सितंबर दरअसल सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की सालगिरह का दिन है। डॉक्टर राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे तिरुमनी में पैदा हुए। इनके वालिद गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन को तालीम सिखाई। तालीमी मैदान में वो इतने आगे बढ़ गए कि वो एक कामयाब उस्ताद बन गए। उन्होंने दरस व तदरीस के पेशे को इतना विकार बख्शा कि इनकी योम पैदाइश को योम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाने लगा। और वो वहाँ ना रुके, उन्होंने सियासी मैदान में भी बहुत नुमाया कामयाबी हासिल की और वो 21 मई 1962 को भारत के राष्ट्रपति यानी सदर जमहूरिया हिंद मुंतखब किए गए। दुनिया में कुछ रिश्ते खूनी होते हैं जबकि बहुत सारे रिश्ते रूहानी, इखलाकी और माशरती तौर पर बनते हैं। उन्हीं में से एक रिश्ता उस्ताद का भी होता है। उस्ताद को माशरे में वालदैन का दर्जा हासिल है। उस्ताद का रुतबा मामूली नहीं, वो अपनी आंखें जलाता है, दिलो दिमाग को सुलगाता है और अपने मुतालिक हासिल अपने तलबा को समझाता है। माँ बाप अपनी औलाद को अर्श से फर्श पर लाने का एक ज़रिया बनते हैं। उस्ताद बच्चों की तालीम और तरबियत के ज़रिए फर्श से अर्श तक पहुँचा देता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दस्ते मासूम को वो लोहे कलम देता है, दस्ते मासूम को वो लोहे कलम देता है, नौ निहालों को कंदीले हरम देता है, रोशनी बाँटता फिरता है वो सूरज की तरह, डूब जाता है तो तारों को जन्म देता है। साथियों, आज यौमे असातिज़ा के मौके पर हम इस बात का एतराफ हमें करना पड़ेगा कि असातिज़ा ही समाज और कौम के असल मेमार होते हैं, क्योंकि तालीम गाहों की हैसियत सप्लाई हाउस की जैसी है, जहां हर शोबे ज़िंदगी को अफराद फराहम किए जाते हैं। जैसे हुकूमत को अच्छे मुंतजमीन, अदालतों को अच्छे मुंसिफ यानी जज, दवाखानों को डॉक्टर्स, कंपनियों को इंजीनियर, मार्केटिंग करने वालों को अच्छे मनसूबबंदी करने वाले MR, यहाँ तक के मुल्क की सरहदों को बाशऊर फौजी, और इन सब से बढ़कर समाज को सच्चे खादिम जो समाज की खिदमत करते हैं। अगर ज़िंदगी का कोई शोबा बाकी नहीं जो तालीम और असातिज़ा से मुंसलिक ना हो। यौमे असातिज़ा के मौके पर चंद अशआर। उस्ताद की इज्जत करो, ये वो हस्ती है जो तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की राह दिखाती है। हमारा फ़ख्र हमारे असातिज़ा, उन्हीं से वाबस्ता तरक्की का रास्ता। बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। तालीम एक ऐसा कारोबार है जो बाकी कारोबार को तख्लीक करता है और उसे उरूज तक पहुंचाने में उस्ताद ही का हाथ होता है। एक अच्छा उस्ताद एक चिराग की तरह है जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जला देता है।
अच्छा उस्ताद जानता है कि अपने तालिब इल्म के अंदर से बेहतरीन कैसे निकालना है। जिस घर में तालीम और नेक माँ हो वो घर तहजीब और इंसानियत की यूनिवर्सिटी कहलाता है।